लोगों के पास है क्या? समाजवादी पार्टी के पास मुस्लिम वोट है, वो अपनी जो सरकार उनकी बनती है सत्ता में, जो अपने अधिकार और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं वो इसीलिए लड़ते हैं। अपना ही उनका खुद का वोट बैंक कितना है? मात्र 7%। तो मुस्लिम के ऊपर राजनीति है, सारे सबको पता है। ये चले गए, ये अपने घर वापस लौट गए, तो हम क्या कहाँ से सत्ता में आएंगे, हम कहाँ से अपनी पार्टी को जीवित रख पाएंगे? आज हम खा की स्थिति देख लीजिए, जरूरत ही नहीं है कुछ और कहने की। तो अच्छा, अगर ऐसा होता, उन्हें पता था कि ये आने वाले मुस्लिमों के नेता हैं, लीडर हैं, और बहुत अच्छे से अपने समाज के लिए, अपने समाज की काम करेंगे, अपने समाज के हक अधिकार जो वंचित लोग हैं उनके लिए लड़ाई करेंगे, तो इन्हें पहले ही हटा दिया गया। यूज ही हो रहा है, एकजुट होने से डर लग रहा है, और दूसरी पार्टी तलवे खिसक रहे हैं हर पार्टी के। अच्छा, मतलब जमीन खिसक रही है उनकी। जी जी बिल्कुल, पैरों के ठपना हो जाए जी। हम करेंगे क्या, उनके पास है क्या? अपना कुछ है? सिर्फ इन्हीं के ऊपर ही राजनीति की जाती है, मुस्लिम वर्ग के ऊपर। आपने गले में हरा दुपट्टा डाला, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगी हरियाली की आवश्यकता है इस टाइम, तो पेड़ पौधों को बचाइए। और दूसरी बात, इस पार्टी के साथ लगी है, सर्व समाज की पार्टी है, सर्व समाज के हित के बारे में सोचती है, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सारे उन्हीं के नियमों पर, उन्हीं के पालन करते हैं, संविधान के दायरे में रह के बात करते हैं। और दूसरा, ये जो हरा रंग है, ये आवश्यकता है, संविधान के दायरे में बात करते हैं, और सारे जो भी हैं ये ओनली फॉर मुसलमानों की ही नेता नहीं है, ये दबे कुचले वो वर्ग हैं जो दलित समाज है, जिनकी कोई सुनवाई नहीं करता, कोई सुनता नहीं है, जिनसे कोई कोई पूछने वाला नहीं है, तो उन लोगों के नेता हैं ये। तो ये हिंदू और मुस्लिम का तो ये तो चैप्टर क्लोज कर दीजिए। अच्छा। कि हर एक पार्टी में आपको मुस्लिम भी मिलेगा और हिंदू भी मिलेगा। अच्छा। तो ये पार्टी है, सर्व समाज की पार्टी है, हर समाज इसमें देखने के लिए मिलता है। कंचन सिंह जी, ये बताया जाता है कि ओवैसी साहब जहाँ भी जाते हैं वहाँ वोट काटते हैं, सिर्फ किस कैसे देख रही है इस वोट काटने के इल्ज़ाम को? ये गलत है। ये देखिए, हर एक पार्टी जब आती है तो उस पर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाया जाता है, ये जुमला फेंका जा रहा है। अच्छा, जुमला है और कुछ नहीं है, ये रूमर फैलाया जा रहा है, ये गलत है। क्योंकि सबको पता है, लोगों के पास है क्या? समाजवादी पार्टी के पास मुस्लिम वोट है, वो अपनी जो सरकार उनकी बनती है सत्ता में, जो अपने अधिकार और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं वो इसीलिए लड़ते हैं। अपना ही उनका खुद का वोट बैंक कितना है? मात्र 7%। तो मुस्लिम के ऊपर राजनीति है, सारे सबको पता है। ये चले गए, ये अपने घर वापस लौट गए, तो हम क्या कहाँ से सत्ता में आएंगे, हम कहाँ से अपनी पार्टी को जीवित रख पाएंगे? अच्छा, नहीं जैसे कि बार बार ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जैसे वैसे साहब बिहार में गए कि वहाँ पे वोट काट दिया, अब उत्तर प्रदेश में आ रहे, उत्तर प्रदेश में मतलब वोट कटवा के नाम से इनको जाना जाता है, और आप एक हिंदू समाज से आती हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये गलत है, मैं तो ये कहती हूँ ये इल्ज़ाम हैं, और ये मुस्लिम समाज समझे। क्योंकि जब इनके बीच से देखिए, अभी बहुजन समाज पार्टी से अभी जो चंद्रशेखर आजाद आए, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, किसी ने कोई जवाब, ये कोई जवाब नहीं किया। 11% दलितों के नेता ने अपने ही 50-50 हो गया, अगर 11 काम करा जाए 5.5 जी, अपनी अलग पार्टी बना ली। और ऐसे ही हम देखें समाजवादी पार्टी के खुद जो है शिवपाल यादव, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, तो सिर्फ अपना ये अपने 7% में भी बना सकते हैं, ये 3-3, 4-4% पे आ सकते हैं, पर मुसलमान ना जाए। उत्तर प्रदेश में तो 19% मुसलमान है, 22% मुसलमान, 22% वैसे जो डाटा कहता है वो ये कहता है कि 19% मुसलमान है। क्या 19% मुसलमानों को अपना उप मुख्यमंत्री बनाने का भी मतलब हक नहीं है? नहीं, ये चाहते ही नहीं। देखिए, अगर ओबीसी साहब का सीधा कहना है कि उप मुख्यमंत्री आप दे दीजिए हमें, और हम लड़ेंगे ही नहीं चुनाव, तो इन्हें ना तो ये चाहिए, इन्हें किसी भी तरह से, आज हम खा की स्थिति देख लीजिए, जरूरत ही नहीं है कुछ और कहने की। तो अच्छा, अगर ऐसा होता, उन्हें पता था कि ये आने वाले मुस्लिमों के नेता हैं, लीडर हैं, और बहुत अच्छे से अपने समाज के लिए, अपने समाज की काम करेंगे, अपने समाज के हक अधिकार जो वंचित लोग हैं उनके लिए लड़ाई करेंगे, तो इन्हें पहले ही हटा दिया गया। तो ये अच्छा। कोई भी पार्टी, चाहे समाजवादी हो या बसपा हो या क्या कहते हैं कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी आगे तक जाना नहीं, बस इन्हें एक सीडी की तरह उपयोग किया जाता है, एज ए डिस्पोजल ग्लास, जब पानी पी लिया और फेंक दिया। अगर मैं आपसे ही पूछती हूँ कि एक बार जब डिस्पोजल ग्लास को हम यूज कर लिया जाता है, तो दोबारा हम खुद भी उसे दोबारा यूज नहीं करना पसंद करते, तो ऐसे ही मुस्लिम समाज हो या दलित समाज हो या वंचित समाज जो है, उनका सिर्फ यूज किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि वोट जो है ना, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिए है, ये हमें ये अधिकार दिया है, चाहे वो एक पायलट हो, हेलीकॉप्टर का पायलट हो या जहाज का पायलट हो, उसकी वोट का भी अधिकार उतना ही है जो ई रिक्शा चलाने वाले का। तो अपने वोट का, अपने हक के का, अपने अधिकारों के लिए लड़े, आवाज उठाएं और आगे बढ़ें। एक असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री उत्तर प्रदेश में पहली मरतबे हो रही है, 100 सीटों पर लड़ने का दावा करा ओवैसी साहब ने, और इसी चीज की तकलीफ सारी पार्टियों को, आखिर एक ओवैसी साहब से इतना डर क्यों है? देखिए, मैं फिर वही कहूंगी कि मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे एक जगह अपना झंडा अपना डंडा ना करें, ये ऐसे ही बिखरे हुए रहें, तो सबके साथ हैं।
अच्छा सब ये है, सब इनसे एज ए यूज ही हो रहा है। एकजुट होने से डर लग रहा है और दूसरी पार्टी तलवे खिसक रहे हैं हर पार्टी के। अच्छा मतलब जमीन खिसक रही है उनकी। जी जी बिल्कुल, पैरों के ठपना हो जाए जी। हम करेंगे क्या, उनके पास है क्या, अपना कुछ है? सिर्फ इन्हीं के ऊपर ही राजनीति की जाती है, मुस्लिम वर्ग के ऊपर राजनीति। सारी राजनीति वैसे जैसे भी कहीं पे भी हमने देखा कि जितनी भी राजनीति की गरमाहट होती है वो तमाम जो है मुस्लिम पार्टियों को लेकर होती है। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस हो, कांग्रेस को सबको पता है पंडितों की पार्टी है, कोई भी वहाँ पंडित समाज में वोट मांगने नहीं जाएगा बसपा वाला, क्योंकि उन्हें पता है भाई उसकी वोट कांग्रेस की है। ऐसे यादवों की वोट के पास कोई नहीं जाएगा क्योंकि उसे पता है समाजवादी का आदमी, इनके ही यही जो लोग हैं मुस्लिम समाज ही और दलित समाज ही, ये एकदम इनका कोई ना तो है, ये ऐसे क्या कह सकते हैं इनका माँ बाप या इनका मतलब एक कोई भी अपना नहीं है, इनका कोई लीडर नहीं है, इनका नेता नहीं है। कि ये दलितों का अधिकार दिलाएंगे हम, दिलाया तो है जिस तरह से, देखिए मायावती जब तक अपने काम पे थी मिशन, जब से ये कह सकते हैं कि जब पहले जब उन्होंने कहा दलित मुसलमान करो विचार कब तक सहोगे अत्याचार, जब तक तो सब कुछ ठीक था, बहुत अच्छे से चल रहा था। आज वो कहती हैं कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो देखिए जब से अब वो मिश्राओं की पार्टी हो चुकी है, छोड़ दीजिए दलित की पार्टी नहीं है वो। अच्छा। मिश्राओं को खुश कर रही है ना, तो पंडितों की पार्टी है, वो पार्टी बदल चुकी है, पहले जैसी बात नहीं रही। पहले सोचती थी जब तक काशीराम जी के मिशन को पूरा कर रही थी, बाबा साहब के मिशन पे चल रही थी, जब तक सब कुछ ठीक था, आज स्थिति खराब हो चुकी है दलितों के रास्ते पे चल रही है ना, सबका था सबका विकास, दिक्कत क्या है? जरूर देखिए, आप देख तो रहे हैं कैसा विकास और कैसा ये हो रहा है, गड्ढा मुक्त सड़कें हैं, तमाम नाम बदल दिए गए, ये विकास ही तो है। हाँ देखिए किस तरह से नाम बदले जा रहे हैं, ये सिर्फ नाम बदलने से होता क्या है, जो जैसा है इसकी स्थिति थोड़ी ना बदल गई। नाम बदलने से स्थिति चेंज कीजिए, डेवलपमेंट कीजिए जिस तरह जो चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में कीजिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कीजिए, जहाँ आवश्यकता है उस काम को कीजिए। दिल्ली मेट्रो नाम बदलने से कुछ नहीं होता। दिल्ली मेट्रो के अंदर जो है तमाम पोस्टर लगाए गए हैं कि नंबर पूरे भारत के अंदर नंबर वन प्रदेश बताया जा रहा है, योगी जी का प्रदेश जो है बिल्कुल बताया जा रहा है। देखिए हम तो ये कहेंगे, पहले जब इनकी सरकार थी, बहुजन समाजवादी पार्टी थी, तो बसों का कलर नीला हो गया था, फिर समाजवादी आई तो लाल हो गया, अब इन्होंने तो पूरे देश की स्थिति आप देख सकते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश को ही बदल के रख दिया करने के चक्कर में। नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम हरा नहीं, देखिये हरा बिल्कुल हमें आवश्यकता है, हरे की हरा भरा रहेंगे तभी तो स्वस्थ रहेंगे, हमारा जीवन ही हरियाली पे टिका हुआ है। अच्छा ये भी एक पोस्टर और लगाया जा रहा है दिल्ली के मेट्रो में, मिशन रोजगार 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दी है अभी प्रदेश के अंदर। बिल्कुल जिस तरह से यहाँ नौकरी बिल्कुल में, भी नहीं। में हमारे ये कहने के लिए एज ए जुमला फेंका जाता है, सिर्फ लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। अच्छा। और कुछ नहीं, आपने गले में हरा दुपट्टा डाला, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल मैं तो ये कहूंगी हरियाली की आवश्यकता है इस टाइम, तो पेड़ पौधों को बचाइए। और दूसरी बात, इस पार्टी के साथ लगी है, सर्व समाज की पार्टी है, सर्व समाज के हित के बारे में सोचती है, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सारे उन्हीं के नियमों पे उन्हीं के सब पालन करते हैं, संविधान के दायरे में रह के बात करते हैं। और दूसरा ये जो हरा रंग है ये आवश्यकता है, आज जरूरत बन चुकी है मनुवादी लोगों को। आप ये कहना चाह रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बी टीम कह रहे हैं उनको क्या कहिए? बी टीम कहने वाले के इनका तो ये राजनीति रोटियां सेकेंगे, करेंगे क्या ये, अगर बी टीम नहीं कहेंगे तो करें क्या ये। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि मुसलमान अगर तमाम ओवैसी साहब की तरफ चला गया तो इनकी पार्टियां खत्म हो जाएंगी? इनके खत्म हो जाएंगे, ये ठप हो जाएंगे, समाजवादी खत्म हो जाएगा, बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है। उनके पास है ही नहीं अपना कुछ, अपना है नहीं, अपना वोट बैंक है नहीं। अगर अपना वोट बैंक होता तो महागठबंधन हुआ था, उसमें सिर्फ मुसलमानों ने ही साथ दिया था या दलित ने, जितने भी जर्नल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जितने भी यादव आते थे, या फिर उन्होंने किसी ने समझाया नहीं, उन्होंने सिर्फ उन्हें सिर्फ लगा कि बीजेपी बीजेपी आ जाए बस, अरे नहीं ये डर रहा कि बीजेपी नहीं आ जानी चाहिए। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि एमओए समीकरण चलेगा इस बार। बिल्कुल चलेगा, चलेगा। एम और वाई देखिए जिस तरह से उनके अपने, मैं ये कह सकती हूँ एम और वाई उनकी अपनी अपनी सोच है, आप देखिए करते हैं क्या होता है।